अस्सलाम वालेकुम, कैसे फ्रेंड्स? आई होप सब अच्छे होंगे। माशाल्लाह से आप तो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है ज़ैना की बर्थडे व्लॉग पे, जो कि ज़ैना की सेकंड बर्थडे है। और बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि ठीक है आप इसकी व्लॉग बनाएं। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसका व्लॉग बनाया। आई होप आपको अच्छा लगे। आपको अगर कोई अच्छा ना लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चुलबुली सी हटते हैं, चुलबुली सी बस जल्दी जल्दी में जो हो सका वो किया। अच्छा, तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, उससे हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट बाबा की बर्थडे विशिंग। रैना मम्मा की जाने आ, हैप्पी बर्थडे रैना की, हैप्पी बर्थडे है मामा की विशिंग। Happy birthday to you। जी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब आप जी? सुबह हो चुकी है और आज का दिन जो है बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत मज़े का गुजरने वाला है, क्योंकि ज़ैना की सेकंड बर्थडे है। तो बाहर का मौसम तो बहुत धूप वाला है। अच्छा देखते हैं जी, ज़ैना अभी तक सोई है, ज़ैना को कोई पता नहीं अभी तक। तो ये जो ज़ैना मस्त अभी सोई हुई है, ज़ैना का उठने का भी कोई इरादा नहीं। चले कोशिश करते हैं उसको उठाने की। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़ैना की आज हैप्पी बर्थडे है ना? ओए ओए, गुस्सा जी, फुल गुस्सा जी, उठते भी फुल गुस्सा। हैप्पी बर्थडे ज़ैना, हैप्पी बर्थडे टू यू। सुबह फ्रेश होकर नानों को कपड़े दिखाए जा रहे हैं। अच्छा जी, इधर जो है मैं ज़ैना का कैप रेडी कर रही हूँ और सारे काम बहुत जल्दी जल्दी में हो रहे हैं। ज़ैना का फ्रॉक तो ऑलरेडी रेडी था। अच्छा जी, इधर हम वेजिटेबल राइस बनाने वाले हैं आज, क्योंकि रात को कुछ बाहर हल्का फुल्का खाने का इरादा है। सो अभी लेट्स सी। अच्छा बाहर देते हो, ज़ैना का कर रही है। ये जी दादों के साथ लाडियाँ हो रही हैं यहाँ पर फुल। अच्छा जी, अब फर्स्ट जिधर हमारा इरादा था कि हम जो है यहाँ पे अरेंजमेंट करें, यहाँ पे ऑलरेडी किसी की शादी चल रही थी, तो हमने सोचा चले यहीं पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो जाए, अरेंजमेंट हो जाए, बहुत अच्छा व्यू है। हमारी अक्सर मेहंदी के फंक्शंस वगैरह यहीं पे होते हैं। ये गुजरांवाला में चर्च का पार्ट है, बैक साइड है, तो हमारे ज़्यादा फंक्शन यहीं पर होते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। यहाँ पर देखें जी, शादी के फंक्शंस जो है वो यहाँ पर वलीमे का फंक्शन की तैयारियां हो रही हैं। और जगह तो अच्छी है, मज़े की है। यहाँ कॉर्नर पे सोच रहे थे कि हम यहाँ पे सेटिंग करें, लेकिन वर्कर्स जो हैं बहुत ज़्यादा थे। तो दादा ने आपको पैसे दिए ना? दादा को थैंक यू बोलो, थैंक यू बोल। पहले रुज़ैना को यहाँ पैसे मिले हैं और रुज़ैना बिल्कुल थैंक यू नहीं कर रही। क्यों थैंक यू क्यों नहीं बोलना? अच्छा अम्मी, वाइट की है। अच्छा ये ज़ैना का, ये ज़ैना का, पकड़ लो जी पकड़ लो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे अब चावल रेडी हो चुके हैं, सो डे का डिनर करते हैं। अच्छा जी, हमने डिनर भी कर लिया, हमने किचन भी नीट अच्छे से कर लिया, अब हम रेडी होने वाले हैं। और लेट्स सी, आपको दिखाते हैं कि ज़ैना कौन सा ड्रेस पहनने वाली है और मामा कौन सा ड्रेस पहनने वाली हैं। ये जी ज़ैना की कबर्ड, और ज़ैना पहनेगी वाइट, क्योंकि आज का हमारा थीम है वाइट, तो आज हम सब वाइट पहनेंगे। ये ज़ैना का ड्रेस, वो मामा का ड्रेस। लेट्स सी, हम तैयार हो चुके हैं जी जाने की तैयारियाँ। और मैंने भी ड्रेस पहन लिया जी, हमदा ने भी वाइट पहन लिया, रैना की दादू भी रेडी। ये जी हमारे घर का व्यू, वो रैना के बाबा। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम जा रहे हैं रैना का केक
जो है वो सिलेक्ट करने। पहले हम बाबा बेकर पे गए थे, वहाँ पे हमें मदे के नहीं लगे, सो अब हम नूर पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे केक्स की वैरायटी बहुत अच्छी है। तो लेट्स सी क्या क्या, मुझे ये लॉलीपॉप अच्छे लगे। अच्छा जी, केक हमने ले लिया और यहाँ पे ज़ैना को जी बेबीज नज़र आ गए हैं, जो कि ज़ैना बाहर नहीं आ रही थी। ये जी मीर, सॉरी मीर से हमने केक सेलेक्ट किया। अच्छा जी, अब हम अपने पॉइंट पे जा रहे हैं और आई होप आज का काम बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। कुछ भी नहीं प्लान था, दो आइडियाज थे माइंड में, एक तो स्किप हो गया ना, वो फर्स्ट वाला जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे तो वहाँ पे नहीं सेटिंग हो सकी। तो अब हम सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो वहाँ देखें हम क्या करते हैं। अभी तक सरप्राइज है आपका सेकंड पॉइंट हमारा किधर होगा। तो देखिए, हाँ जी पहुँच गए हम गार्डन टाउन। सो सेकंड पॉइंट हमारा गार्डन टाउन का है, और जहाँ पे बड़े कमाल कमाल के घर बने हैं। आप इनको देखिए, इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट फ्यूचर इंशाल्लाह यहाँ यहाँ डीसी हम जरूर कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़े कमाल कमाल के सीन है। मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि आप यहाँ पे जो घर बने हैं आप उनको भी इंजॉय करें, कैसी कैसी सेटिंग है, कैसी कैसी डेकोरेशन है, बाइक के व्यूज हैं। तो वो सब आप साथ साथ आप ही देखें, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार ये प्यारे प्यारे घर देखें। अच्छा जी, हमारा पॉइंट आने वाला है और ज़ैना को देखते हैं ज़ैना क्या कर रही है। लो जी, बर्थडे गर्ल तो गई सोने, वो परी है ज़ैना। बर्थडे गर्ल तो हमारी सो गई। एक्चुअली बर्थडे गर्ल का ये टाइम होता है। ये जी बर्थडे गर्ल तो अब हमारी सो गई है, अब चले आधा घंटा इसको सोने देते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाए। ये हम आ गए हैं गार्डन टाउन में, एक पार्क में जहाँ हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे थोड़ी। तब तक ज़ैना भी थोड़ा अपना मूड फ्रेश कर लेगी, और जिधर हमारा बर्थडे का अरेंजमेंट हो रहा है वहाँ पे वो सेटिंग वगैरह वही कर रहे हैं जो उन्होंने करना था। हम जस्ट उनको चीज़ें दे आएंगे, यार ये आपने करना है जो मर्जी कर दो। तो ये हमारा व्यू है और यहाँ हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे। और ज़ैना जी यहाँ पे बेंच पे सो रही है। ये हमारी बर्थडे गर्ल सो रही है। भाई बर्थडे गर्ल तो सो गई है, अब बर्थडे गर्ल के उठने का वेट हो रहा है। तो तब तक हम अपना शूट करते हैं। जी मेरी फ्रॉक, मैंने नीचे कुर्ता पहना था तो फ्रॉक की लेंथ लंबी थी तो मेरी चेन सारी हाथ में। अच्छा जी, बर्थडे गर्ल को हमने उठा ली है, जो है वो नाइट शाम भी हो गई, अंधेरा भी हो गया। तो जी हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। शुक्र है अभी तक ज़ैना का मूड ठीक है, ज़ैना का मूड खराब नहीं हुआ। हमारे गेस्ट भी आ गए हैं। ये जी ज़ैना का जो है
हमने जस्ट अपनी फैमिली का सेलिब्रेट किया था, जस्ट उस दायना की पोपो उसको बुलाया था क्योंकि पोपो के साथ की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। अच्छा जी, ये उस दायना का ये जी थैंक्स अंकल जिन्होंने ये हमारी अच्छी सी क्यूट सी डेकोरेशन कर दी। ये जी उस दायना का बर्थडे केक। अच्छा, उन्होंने कैंडल्स, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये किधर एडजस्ट की जाए, तो हम कैंडल पहले एडजस्ट करते हैं। उजाइना को तो बलून्स मिल गए हैं। उजाइना का शुक्र है कि यार सो गई थी, मुझे था बस अपना इसका मूड खराब हो जाएगा इसको उठाएंगे तो। लेकिन बलून्स को देख के उजाइना फ्रेश थी, उजाइना बलून्स को देख के बहुत इंजॉय कर रही थी, मामा बलून्स मामा बलून्स। उजाइना बलून्स के साथ खेल रही है और अम्मी और हबीबा भी साथ साथ है। फुल एंजॉय जी। जाइना का केक रेडी हो चुका है, मैंने कैंडल जो है वो हैप्पी बर्थडे टू यू जी, जो है वो कैंडल जलाएंगे। केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ जी, तुम इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। क्लैपिंग दायना क्लैपिंग अंदर ने क्लैपिंग करो जी। केक तो हमने खा लिया उजाइना का और बहुत ही यम्मी केक था। जिन्होंने केक अपना जो है वो सिलेक्शन करनी है वो मीर बेकर से ज़रूर करें, बहुत ही यम्मी बहुत ही मज़े का केक था और डेकोरेशन बहुत आना है इनके पास। आप इनके पास अपनी मर्जी के मुताबिक भी केक रेडी कर सकती हैं और वैसे भी वहाँ पे अरेंज हैं तो आप वो भी जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। पप्पू दायना के साथ खेल रही है और बाबा और अंकल मसरूफ हैं। हमारा पिज़्ज़ा भी ऑर्डर आ चुका है, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा था इसका। मैंने पहले भी इधर खाया था, मुझे इतनी जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मुझे बहुत मज़े का लगा था, तो मैंने हमज़ा को बोला था कि आप वहीं पे जाना, उनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का। सो इनका पिज़्ज़ा आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी था बहुत ही टेस्टी था जी। डेकोरेशन भी सारी लग गई, सारी बर्थडे हो गई ख़त्म। थैंक यू सो मच अंकल,
अब हम चलते हैं बाहर, बर्थडे हमारी फिनिश। अब जायना थोड़ा बहुत इंजॉय करेगी बाहर, क्योंकि जायना अभी उठी है, जायना पहले सोई थी। अब जायना जी यहाँ से हमने डेकोरेशन वगैरह सारा कुछ लेने से यहाँ पे पिज्जा खाया था। अच्छा अभी जायना फुल मूड में है, जायना कह रही मुझे बस छोड़ दो, मैंने बस रोड पे दौरे लगाने हैं। जायना वापस आने का नाम है, जायना की जायमेंट तब शुरू होती है जब हम घर आने वाले होते हैं। जायना हमेशा ऐसे करती है, हम कहीं भी जाएं जायना का मूड पहले साथ साथ रहेगी, नहीं घूमे फिरेगी। जब हम बोलेंगे कि जायना बस चलो घर चले, जायना कह रही मुझे छोड़ दो बस, मुझे यहीं पे रहना है। और अभी भी ऐसा ही था, पहले जायना का मूड नहीं था और लास्ट पे जायना का घर आने का मूड नहीं था, तब उसकी जायमेंट स्टार्ट हुई थी। जायना बाबा के साथ फिर दौरे लगा रही है, बस रोड पर मुझे छोड़ दो, मैंने दौरे लगाने हैं। और जायना ने खाया पिया कुछ नहीं था, ना अपनी बर्थडे का केक टेस्ट किया, ना क्या कहते हैं पिज्जा टेस्ट किया, कुछ भी नहीं खाया था जी, बस बलून्स और बाहर जाकर दौरे। बाबा के साथ दीदी जाना फुल मूड में आई हुई है, तो मुझे बस छोड़ दो, मैंने यही पे रहना। मम्मा नो, मम्मा घर नहीं जाना, मम्मा नो। जायना जब अकेली होती है या कब इंजॉय करने का मूड होता है, तो उसकी एक इंजॉयमेंट ही होती है गोल गोल घूमना, और फिर खुद ही चक्कर खा कर गिरी होती है। अच्छा जायना चलाओ चलें जी, हम निकल आए। बड़ी मुश्किल से जायना को गाड़ी में बिठाया था। तो अब जी जायना के पास इस दफ़ा हमने बर्थडे सबको गिफ्ट मना किए थे, क्योंकि जायना के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं। इसकी फर्स्ट बर्थडे पर इसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले थे, क्योंकि जायना को गिफ्ट्स का खेलने का शौक़ नहीं है टॉयस के साथ। तो इस दफ़ा हमने सख्ती से मना किया था कि कोई भी गिफ्ट नहीं लाना, ना ही नाना दादा दादो लेके आए, और ना ही पप्पो को बोला था कि आपने भी कोई गिफ्ट नहीं लेके आना। सो उन्होंने ज़बरदस्ती जायना को कैश दे दिया। तो हम सोच रहे हैं जी जायना का क्या करें जी। तो जी जो दादो ने पैसे दिए थे, हमने सोचा चले जो जायना की बुक्स लेते हैं। दादो ने कहा था मेरी तरफ से बुक्स लें इसकी, तो जायना की जो है इधर से हम बुक्स लेंगे। अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि जायना की कौन सी बुक्स लें। एक ये सिलेक्ट की हमने, ये जी जायना को बहुत शौक। जायना अपने बर्थडे के पहले से कह रही थी मामा बुक्स लेनी है, मामा बुक्स लेनी है। जो जायना बुक्स ले के जा रही है जी, मेरी शॉपिंग तो कम्प्लीट। अच्छा जी अब हम घर आ रहे हैं जी, हमारा घर आ चुका है। ये हमारा घर है, इसका बाहर का व्यू है। माशाल्लाह से हमारी बेलें बहुत अच्छी हुई हुई हैं। ये जी हमारी घर की एंट्रेंस, और हम घर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी हम घर एंटर जब भी होते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़रूर कहते हैं, सो आप भी बोला करें, क्योंकि घर में जो मौजूद होते हैं नज़र तो नहीं आते लेकिन सलाम लेना चाहिए, घर में एंटर होते सलाम लेना चाहिए। अच्छा जी ये दादा भी इधर आ गए, और जायना जी दादा बू ने जाना शादी पे, सो इसलिए दादा बू हमारे साथ नहीं जा सके थे, और जायना जो है वो उनको छोड़ नहीं रही। दादा बू के पीछे पीछे है बस अब। जायना के खेलने के तरीके यही है जी, जायना ऐसे ही खेलती है, कोई टाइप नहीं कोई कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही। अब इसे पता है कि दादा बू कहीं जा रहे हैं, तो बस दादा बू के साथ स्टार्ट। दादा बू जान चले बस लाइट पा रहे, चलो बाबा के साथ खेलिया। एक हमें बाबा नजर आ जाए बस, फिर हमने नहीं बस बाबा को नहीं छोड़ना। हैप्पी बर्थडे टू यू जायना, आई लव यू। जायना आई लव यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नाना बू की विशिंग, आपको अल्लाह ताला उधारों में देखने और आपको तंदुरुस्त रखे, आपको बड़ी लंबी उम्र दे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी
घुमाऊंगा साथ में। ये जी मेरे तमाम प्यारे प्यारे फॉलोअर्स की विशिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जिन्होंने जैना को विशिंग किया, तो बहुत ज़्यादा विशेज भेजी, थैंक यू सो मच। ये बाबा सदी करवा रहे हैं जी। आपकी हैप्पी बर्थडे फिनिश हो गई है जी, हैप्पी बर्थडे उदयना की खत्म हो गई है। उदयना ने सारा दिन बहुत एंजॉय किया, मम्मा को तंग भी बहुत ज्यादा किया। हैप्पी बर्थडे खा ली है? हैप्पी बर्थडे केक तो आपने खाया नहीं अपना, कब खाया था मुंह में, कब खाया था? अच्छा अच्छा, उदयना भी क्या कर रही है, दैना भी क्या कर रही है, दैना बताओ मामा को, आप बुक्स पढ़ रहे हो, दैना बुक्स पढ़ रही है। अच्छा किधर, ये क्या है, ये क्या है, ये नो ऐसे नहीं करते, उसको आई होती है, टाइगर को आई हो जाएगी। आप बताओ ये क्या है, टाइगर है, ये क्या है, एलिफेंट, वाह माशाल्लाह, ये क्या है, बहू है, ये डोल है, ये बहू है। अच्छा ये क्या है, उधर ना ये गाड़ी है, वाह टू थ्री गाड़ी है। अच्छा ये क्या है, बलून, वाह ये भी बलून, ये भी बलून, ये भी बलून, इतने ज्यादा बलून दायना के हैं। ये क्या है, काइट है, वाह कितने काइट्स हैं, ये भी काइट है। ये क्या है, वाज है माशाल्लाह, वाह दायना की हैं, सारी दायना की हैं। ये क्या है, पेंसिल है, वाह ये क्या है, दायना की पेंसिल है। ये क्या है, अच्छा ये लास्ट वाला, ये क्या है, ये वाला कैप है जी। आर दायना की सेकंड हैप्पी बर्थडे थी, उदयना की सेकंड हर्दे हैप्पी बर्थडे पे जी दायना की स्पेशली बुक्स आई हैं उदयना को जी। अब हम नेक्स्ट जो है वो बुक्स रीड करवाएंगे उदयना की हैप्पी बर्थडे का, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट है जो उदयना ने अब पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की सारा दिन का व्लॉग। हाँ जी ओके ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का सारा दिन उदयना का कैसा गुजरा, उदयना की कैसे बर्थडे सेलिब्रेट की गई। तो अगर आपको अच्छी लगे तो थोड़ी सी भी वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है उस जी वेर दायना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मज़े मज़े वाली वीडियोस के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, उदयना बाय बाय कर दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, एक पारी भी कर दो, हाँ नाना को भी करेंगे, एक पारी भी कर दो ऐसे जी।